कौशल जायसवाल, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं विकास दुबे को लेकर 130 करोड़ भारतीयों से। मेरा पहला प्रश्न, विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी था, उसे अगर भागना ही था तो उसने सरेंडर किया ही क्यों? मेरा दूसरा प्रश्न, काफिले में इतनी गाड़ियां थी, विकास की ही गाड़ी क्यों पलटी? मेरा तीसरा प्रश्न, विकास के पेट में और सीने में गोली लगी है, उल्टा भाग रहा था क्या? मेरा चौथा प्रश्न, हिरासत में इतना बड़ा अपराधी, बिना किसी हथकड़ी के क्या एक हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती थी? मेरा पांचवा प्रश्न, इतने बड़े अपराधी को लाने में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बढ़ती गई? मेरा छठा प्रश्न, मीडिया साथ साथ चल रही थी, अचानक से चेकिंग का बहाना करके उन्हें दूर किया क्यों गया? इन सभी सवालों का जवाब मुझे सबसे चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी जरूर दें, स्पेशली अंधभक्त। मुझे जानना है कि अंधभक्तों ने इतने आसान सवालों का जवाब देने के लिए अपने भक्ति का चश्मे को उतार दिया है, या फिर अपने भक्ति के चश्मे को 83 रुपए का डीजल और पेट्रोल डला के फूंक दिया है। अगर विकास सिर्फ एक हफ्ते और जिंदा रहता तो कई सफेद पोशाक धारण करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाते। हैशटैग बीजेपी, और ये उनके राजनीति करियर का सबसे बड़ा झटका सामने आता। उन्होंने अपने राजनीतिक झटके से बचने के लिए विकास दुबे के जीवन को इतना बड़ा झटका दे डाला। उत्तर प्रदेश में जब जज के डिसीजन का कोई महत्व ही नहीं है तो जज को भी घर बैठा देना चाहिए। जब सारे डिसीजंस चाचा ही लेते हैं तो जज की क्या जरूरत? मैं रोशनी कुशल जायसवाल ये दावा करती हूं कि ये एनकाउंटर नहीं हत्या है, जो कि हर एक देशवासी जानता है। धन्यवाद।